राष्ट्रपति ना भवन से नमस्ते साथियों चुनाव में जैसे हम लोगों को भी दौड़ धूप रहती है मीडिया के साथियों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है रात दिन दौड़ना पड़ता है अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले एकाध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे तो 18वीं लोकसभा और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीन समाप्त तो करके ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से ये वो पच्चीस वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के पच्चीस वर्ष हैं और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव अठारहवीं लोकसभा है साथियों एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है अवसर दिया है मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले दो टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी हमारे पांच साल के कार्यकाल में भी हम उसी गति के साथ उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे, एक निमंत्र नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुप्रत करेंगे उसके बाद शपथ समारोह होगा साथियों सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए वन एनडीए टू एंड एनडीए थ्री ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा 2014 में मैं बहुत नया था मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है इन दस साल के कार्यकाल के का दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये पांच वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है अनेक तनावों से गुजर रही है अनेक आपदाओं से गुजर रही है ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना बढ़ाते रहना चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है हम भारत वाले लोग हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले पांच साल में बनने वाला है तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुके हैं प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति